हाथ हो गया यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। चूंकि शागिर्दी की तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से चल रही हैं और इसी तैयारियों में जो कि हम लेट थे, आज हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह सिटी जाने का और वहां से इंशाल्लाह कुछ अपनी ड्रेसिंग वगैरह परचेज करनी है। तो हमारे साथ रहिएगा ब्लॉग पॉइंट तक, देखिए अपने दोस्तों आपके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है। आपका फीडबैक हमारी हौसला अफजाई है। भाई नाश्ता करवा दे। सुबह आपने क्या किया? कब हमने नाश्ता कर लिया आपने? जी आ गए जी, अब सुबह सुबह नाश्ता हमारे लिए चिकन और रोटी। आ जाओ मुंडे टूट पवो टूट पड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हो गया और अब निकलते हैं इंशाल्लाह मार्केट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, रासिक क्या हाल है? ठीक हो? सेहत भी ठीक? किधर शहर हो रही है? शादी की तैयारी कर ली है? नाल जाना ना बरात दे वलीमे दे। यार बरात तो चलो शुगर लगेगा उते। अच्छा चलो कोई नहीं मसला। और सियालकोट जाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैरी बॉक्स, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगी पहले गाड़ी और फिर जो है कैरी बॉक्स निकालेंगे, क्योंकि कैरी बॉक्स आज खुद ड्राइव करना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा। ना तो साबिर साहब पारेगा और ना जेब की चाची, हम वेले बंदे। हम लेके जाएंगे सियालकोट सिटी कैरी बॉक्स और साथ में एहतियातन मोटरसाइकिल। पेट्रोल चेक कर ला। ओ वाह, और निकलने से जस्ट पहले एक प्रोग्राम में ट्विस्ट है। बिदला पर आप जा रहे हैं ना साथ, तो अब ये आप चलाएं, ठीक है? हाथ हो गया यार, नहीं आ गया मोटरसाइकिल वापस आ गया। हम अब जाएंगे मोटरसाइकिल पे इंशाल्लाह, हमजा और मैं। ओके भी अल्लाह हाफिज। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सियालकोट का जो है वो थोड़ा सा रीबिल्ड हो रहा है, सड़कें वगैरह रोड्स वगैरह नए बन रहे हैं, बहुत सारे नए बन रहे हैं और इसी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। और बड़ा गलत दिन चूज़ किया हमने मार्केट आने का और शायद रास्ता भी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। अभी हमारी गाड़ी वाले लड़के जो है वो तो पीछे अभी फंसे हुए हैं, खैर हम मोटरसाइकिल का फ़ायदा उठाते हुए आ गया। मार्केट हम पहुंच गए और यहाँ से शूटिंग सबसे पहले जो ज़ुहैब साहब की थी वो लेनी है। सीढ़ियाँ हम इस्तेमाल करेंगे, लिफ्ट में जाने का हमें कोई शौक नहीं है। वो आप पहले आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से पहुंच गए? हाँ बहुत अच्छा लगा। ओह ओह क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त। मैं सोच रहा था ज़ुहैब के लेने हैं, इन्होंने सबने अपने बनाए हुए हैं यहाँ पे, क्या बात है। और शॉपिंग के दौरान हमारे लिए आ गई जी चाय। हाय हाय, मैं सोच रहा था कि यहाँ से कुर्ता वगैरह खरीद लेंगे लेकिन मेरे साइज का और जो मैं कलर सोच रहा था वो यहाँ से बिल्कुल नहीं मिला। देखते हैं मार्केट में और टाइम की मुनासिबत को लेके कि क्या मिलता है हमें अपनी परचेजिंग में। अलबत्त चाय मिल गई है, इंजॉय द चाय। फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो, एक एक भाई ने, एक एक दो दो नहीं वो एक अपने प्राण भी लागे चले। तो ये आ गए जी पैसे जो हमें, शॉपिंग वगैरह तो नहीं हुई, कैश जो टूटा था वो ले लिया हमने। अब यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। ये मजेदार चीज है,
कोटरा नु बहुत मजेदार है। नहीं मैं वजन चुक लांगा उनमें बड़े भाई नु वजन से कहना अच्छा नहीं लगता ना। अच्छे पहले राम स्कूल से बाइक पे आ रहे थे, प्रोग्राम ये था कि स्कूल से जाएंगे, लेकिन मेरे साथ जो है वो तीन लोग ऐड हो गए, हालत ही हो गई है। खैर अब यहाँ पे रुके हैं, कराची बासी बिरयानी और बिरयानी खाएंगे। खाना छाना हो गया, लेकिन आज जो चक्कर लगाया हमारा सियालकोट का, इसका हमें कोई एक रुपये का भी फायदा नहीं हुआ। कोई भी चीज़ खरीद नहीं सके, सिर्फ जो कैश लिया है वो बस पाँच दो वस्तुओं के लिए बस, और बस अंधेरा होने वाला है। मोटरसाइकिल हो गया पंचर, तो अल्लाह का शुक्र है कि पास ही दुकान थी जहाँ से पंचर लगवा के फिर ही घर जा सकेंगे और ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। मोटरसाइकिल को पंचर लग गया और अब इसमें हवा भरवाते हैं और चलते हैं घर को। ऑलरेडी लेट हो रहे थे, पंचर ने और भी टाइम लगा दिया। खैर पंचर लगवाने के बाद अब हम निकले हैं घर की तरफ को, और वो सामने घर में जो है लाइटिंग देखे कितनी खूबसूरत लग रही है, और खैर से मोटरसाइकिल की लाइट भी ख़राब है और हमें अंधेरे में जो है वो जाना पड़ रहा है फुल। क्या शानदार चमक है घर की। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं अभी खैरियत से, तो यहाँ पे मजीद बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं। मिस्टर उमर क्या इनसे मुलाकात हमारी सियालकोट में हुई थी, लेकिन इन्होंने चूंकि गाड़ी में जल्दी जल्दी निकलना था इनको बिठा के, तो पैक करवाया इधर को, और हमारे साथ इन्होंने ज्यादा की कि एक बंदा एक्स्ट्रा छोड़ के आया। उसकी पनिशमेंट होगी? नहीं उसकी पनिशमेंट नहीं है, आपने धक्के मार के निकाला ना, उसकी पनिशमेंट आपका। और मैं ये कह रहा था कि आप लोग भी दो ना मेरे साथ, चार हमारे से पहले थे, दो आप हो जाते तो फिर हम आ जाते यहाँ तक। घर हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गए हैं, और आके सबसे पहले जो है मैंने गुसल किया, और गुसल करने के बाद अब प्रोग्राम है कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, बाद में क्या पता कब टाइम मिले। वक्त हो गया 10 का, और उमर भाई को हमने जो टास्क दिया था वो माशाल्लाह पूरा करके आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई की खातिर तो आज हमें खाना छाना हो रहा है, और इसके बाद आपको दिखाते हैं जो उमर भाई ने जी मीठा भी आया था। इसके बाद आपको दिखाते हैं जो उमर भाई ने काविश किया हमारे लिए, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बस वो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। ये काम था जो उमर भाई को हमने सौंपा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट करके ले आए। चलो भाई खोलो इसको, क्या है इसमें, कौन सा जिन कैद है? खोलो 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 खोलो, शाबाश है, शाबाश हुआ भाई जी। छोटे भाई बहुत शुक्रिया यार, इन्हें अब अल्लाह हाफिज करते हैं क्योंकि उन्हें दूर जाना और रास्ते अंधेरा। ओके उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। अपने ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं, आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।